लखनऊ में कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जीपीओ स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा कि यूपी की सभी 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में न्याय यात्रा को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। देश का युवा राहुल गांधी और कांग्रेस के विचारों से सहमत नजर आ रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा, इंडिया गठबंधन पर मंडरा रहा खतरा अब समाप्त हो गया है। उनको उन्होंने पूरे देश में एकता अखंडता और भाईचारे के लिए अपने आप को निछावर किया। उसी स्मरण को लेते हुए एक संकल्प लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 844 ब्लॉक की इकाइयां इसी संकल्प लेकर 26 जनवरी को माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर 75 मुख्यालयों पर पहुंच रही है। लखनऊ में आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ही समर्थन में और उस संदेश को लेकर जिसको माननीय राहुल गांधी जी लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, और वो संदेश है देश में भाईचारा स्थापित करना, उसे मजबूत करना, देश के युवाओं के लिए एक उज्ज्वल भविष्य के लिए उनको न्याय।